दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे हम कम से कम लागत के अंदर स्टार्ट कर सकते हो और इस बिजनेस की मदद से आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। दोस्तों, 2021 के अंदर हमारे इंडिया में काफ़ी सारे लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा है और इसकी मदद से वो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। दोस्तों, अगर अभी के बारे में बात करें तो लॉकडाउन के दौरान तो ये बिजनेस अच्छी तरह से चल ही रहा है, बट लॉकडाउन के बाद भी ये बिजनेस बहुत ही जल्दी तेजी से ग्रो करने वाला है। तो ऐसे में अगर आप भी इस बिजनेस को आज के टाइम पर स्टार्ट करते हो तो इस बिजनेस की मदद से आप भी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, इस बिजनेस को चाहे तो आप अपने छोटे से छोटे गांव में भी स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप किसी बड़े सिटी में या फिर बड़ी मेगा सिटी में रहते हो तो वहां से भी इस बिजनेस को स्टार्ट करके यहां से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने लिए एक अच्छे से बिजनेस आइडिया की तलाश में है तो आज का ये वीडियो जरूर आपको अंत तक देखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये हम बिजनेस आइडिया देख लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार पंचाल और आप सबका स्वागत है बिजनेस की बात यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया लेकर आता हूं। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा सकते हो ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपको आपके मोबाइल में मिल सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम 99 स्टोर के बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले है। दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप जितनी भी कम लागत से स्टार्ट करना चाहो स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ से अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि 99 स्टोर बिजनेस कॉन्सेप्ट एक ऐसा बिजनेस कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर अगर आप चाहो तो 10,000 रुपये की लागत से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इसे एक बड़े से लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो तो ऐसे में आप 10,00,000 रुपये तक की भी लागत से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। पर इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात तो ये है, इसे चाहे आप 10,000 की लागत से स्टार्ट करो या फिर 5,000 रुपये की लागत से स्टार्ट करो, यहाँ से आपको छोटी से छोटी लागत के अंदर भी अच्छे से अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए मिल जाता है और इसीलिए मुझे 99 स्टोर का बिजनेस कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं तो इस वीडियो के अंदर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 99 स्टोर का बिजनेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली स्टोर को आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हो, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस बिजनेस के अंदर जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे अपने कस्टमर को तो वो सभी प्रोडक्ट आपको कम से कम रेट के अंदर कहां से मिल सकेंगे, और उसी के साथ में सबसे मेन बात इस बिजनेस के बारे में कि इस बिजनेस को अगर आप आज के टाइम पर स्टार्ट करते हो तो यहां से आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, ये सारी चीजें आपको इसी वीडियो के अंदर जानने को मिलने वाली है। तो प्लीज यार, इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों यार, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक पर्सनल बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर आप कहीं पर भी जॉब करते हो, कहीं पर भी बिजनेस करते हो या फिर कोई भी काम करते हो, आज के टाइम पर आप इतने तो पैसे कमा ही लेते होंगे जिससे आप अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल सकते हो। पर दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कल जाके अगर हमें कुछ हो जाता है तो ऐसे में हमारे परिवार का क्या होगा? दोस्तों, इसी बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखते हुए रिसेंटली मैंने एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है जिसके अंदर आज के टाइम पर मुझे थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करना पड़ेगा, बट आने वाले टाइम के अंदर मुझे या फिर मेरे फैमिली को यहाँ से बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। ऐसे में मैं आपको पर्सनली भी यही सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको भी जरूर एक लाइफ इंश्योरेंस अपने खुद के लिए लेना चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर मैंने जो पॉलिसी ली है उसका नाम है एक्साइड लाइफ गारंटीड वेल्थ प्लान। इसके अंदर मुझे काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप भी मेरी तरह इस पॉलिसी को लेते हो तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन सिलेक्ट करने को मिल जाते हैं, जिसमें से फर्स्ट ये है कि अगर आप चाहो तो वन टाइम लमसम अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो या फिर गारंटेड एन्यूअल इनकम प्लस लमसम अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इस प्लान के बारे में और ज्यादा डिटेल्स बताओ तो यहाँ पर केवल आपको 6 साल तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा और उसके बदले में आपको 37 ईयर तक लाइफ कवर दिया जाएगा, और इसके अंदर अगर आप गारंटेड एन्यूअल इनकम सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको 30 साल के लिए एन्यूअल गारंटेड इनकम दी जाएगी और उसी के साथ में यहाँ पर आपने जो भी प्रीमियम पे करा होगा वो भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस प्लान को लेने में इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं 99 स्टोर के बिजनेस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो बेसिकली एक ऐसा स्टोर होता है जहां पर आपको सारी चीजें 99 रुपीज यानी कि 99 रुपीज के अंदर मिल जाती है, और आज के टाइम पर काफी सारे लोगों को इस तरह की जगह से शॉपिंग करना पसंद रहता है। तो ऐसे में अगर आप भी अपने एरिया के अंदर 99 स्टोर को ओपन करते हो तो आपके यहाँ भी काफी सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं।
दोस्तों अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में हम बात करें तो इसके लिए आपके पास मिनिमम 400 स्क्वायर फुट से लेके 500 स्क्वायर फुट जगह होनी जरूरी है जहां पर आप इस स्टोर का पूरा सेटअप लगा सकते हो। अगर आपके पास खुद की कोई जगह नहीं है, खुद की कोई शॉप नहीं है, तो ऐसे में आप किराए पर कोई शॉप ले सकते हो और वहां पर भी इस बिजनेस को सेटअप कर सकते हो। दोस्तों वैसे तो बात करें तो 99 स्टोर के अंदर आप उन सभी चीजों को सेल कर सकते हो जिसे आप 99 रुपीस में सेल करना चाहते हो, पर यहां पर काफी सारे लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि आलतू फालतू सभी आइटम को अपने स्टोर के अंदर लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी कस्टमर आपके स्टोर के अंदर एंटर करता है वो इतनी सारी चीजों को देख के कंफ्यूज हो जाता है, वो लेने क्या आता है और लेके क्या चला जाता है। ऐसे में वो कस्टमर दोबारा आपकी शॉप पर कभी नहीं आएगा। तो ऐसे में यहाँ पर पर्सनल में आपको एक ही टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप 99 स्टोर को स्टार्ट करते हो तो यहाँ पर जो मेनली 5 से 6 कैटेगरी है उसके ऊपर ही आपको फोकस करना चाहिए ताकि जब भी आपका कस्टमर आपके स्टोर के अंदर एंटर करे तो उन्हें वो चीज़ मिल जाए जिसे वो लेने के लिए आए है और इसी तरह वो बार बार आपके पास आए। अगर इस कैटेगरी के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ तो इसके अंदर नंबर 1 पर है ग्रोसरी यानी कि किराने की आइटम आप रख सकते हो जो भी आप 99 रुपीस में सेल करना चाहते हो। सेकंड नंबर पर गारमेंट्स आप कपड़े सेल कर सकते हो। थर्ड नंबर पर आप क्रॉकरी आइटम यानी कि किचन के जो भी आइटम है डिनर डाइनिंग टेबल के लिए जो भी डिनर सेट वगैरह होता है उसे सेल कर सकते हो। और फोर्थ नंबर पर मोबाइल एसेसरीज बहुत ही ज़्यादा चलती है तो उसे सेल कर सकते हो। और फिफ्थ नंबर पर आप टॉयस वगैरह सेल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप एक दो कैटेगरी और ऐड करना चाहते हो तो ऐसे में आप प्लास्टिक की जो भी आइटम आती है उसे वहाँ पर रख सकते हो। तो अगर आप ये 5 से 6 कैटेगरी के ऊपर फोकस करोगे तो आपका 99 स्टोर एक प्रोफेशनल लुकिंग स्टोर लगेगा और वहाँ पर ज़्यादातर लोगों को आना पसंद रहेगा। उसी के साथ में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सारे प्रोडक्ट है वो आपको कहाँ से कम रेट के अंदर मिलेंगी। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया के अंदर आज के टाइम पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनी है जो कि आपको 99 स्टोर की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करवाती है। अगर आप उनकी फ्रेंचाइजी लेते हो तो ये सारी चीज़ें आपको उनकी तरफ से ही मिल जाएंगी। पर यहाँ पर आपको एक थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पर आपको 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। बट अगर आपके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर आप इन किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी नहीं लेना चाहते हो और सारी चीज़ें अपने एंड से करना चाहते हो तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि सबसे पहले आपको एक पेन और पेपर लेना होगा और जो भी प्रोडक्ट को आप अपने स्टोर के अंदर सेल करना चाहते हो उसका पूरा लिस्ट बनाना होगा और उसके बाद में आपके एरिया के अंदर जो भी होलसेलर होते हैं, बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, उनके पास जाना होगा और सब जगह से उनके रेट निकालने होंगे और फिर आपको देखना होगा कि कहां से मेरे को कम से कम रेट के अंदर ये सारे प्रोडक्ट मिल जाते हैं। फिर वहां से आप उस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो और अपने स्टोर के अंदर रख सकते हो। इसके अलावा और एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आप अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को ऑनलाइन मंगवाओ होलसेल रेट पर तो ऐसे में bulkyseller.com नाम से एक वेबसाइट है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जिसे आप अपने स्टोर के अंदर 99 रुपीस में सेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये बात हो गई कि स्टोर को सेटअप किस तरह से करना है और किस तरह से वहाँ पर प्रोडक्ट रखने हैं। अभी हम मेन बात के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो यहाँ से आपको कितना अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो दोस्तों आप जो भी ये प्रोडक्ट खरीदोगे जिसे आप 99 रुपीस में सेल करने जाओगे तो उस प्रोडक्ट का रेट आपको 40 रुपीस यानी कि 40 रुपये से लेके 50 रुपये के बीच में आ जाएगा। बाकी ये हर कैटेगरी के अंदर डिपेंड करेगा, कोई प्रोडक्ट आपको 35 रुपीस में और कोई प्रोडक्ट आपको 60 रुपीस में पड़ जाएगा। बट अगर हम ऑन एन एवरेज देखने जाए तो आपको हर प्रोडक्ट 40 से लेके 50 रुपये के अंदर मिल जाएगा। बट यहाँ पर आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है कि यहाँ पर अगर आपने कोई प्रोडक्ट 50 रुपये का खरीदा तो उसके अंदर डायरेक्ट आपको 50 रुपये का बेनिफिट नहीं हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी सारे खर्चे भी निकालने रहेंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें कि अगर आपने कोई रेंट पर शॉप लिए तो उसका किराया निकालना होगा, यहाँ पर आपको स्टाफ रखना होगा, उनकी सैलरी निकालनी होगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपको पे करना होगा, इसके अलावा जो भी आप सेटअप लगाते हो उसके लिए भी आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसे में अगर हम ऑन एन एवरेज देखने जाए और जो लोग ऑलरेडी 99 स्टोर को चलाते हैं उनसे भी मैंने बात करी और तो उनका भी यही कहना था कि ये हमारा स्टोर अच्छी तरह से चल रहा है बट यहाँ से हमको जो भी बेनिफिट होता है वो होता है 15 से लेकर 20% के बीच में। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करोगे उसका रिटर्न आपको 15 से लेकर 20% हर महीने मिल जाएगा। और पर्सनली मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि 15 से लेकर 20% रिटर्न किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए अच्छा हो सकता है।
लगता है। तो ऐसे में अगर आपको भी 99 स्टोर बिजनेस का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो आप इस बिजनेस को जरूर स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इस बिजनेस से रिलेटेड मुझे कोई भी सवाल पूछना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना और ऐसे ही नए नए बिजनेस आइडिया देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।